हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही परवल की बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी। ये बहुत ही सिंपल सब्जी है, आप इसे जरूर ट्राई करना, अपने परिवार को बनाकर खिलाना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम परवल लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। इनका हमें छिलका नहीं हटाना है, दोनों कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा काट देंगे। अब हम इसे दो कट लगाएंगे इस तरह से। हमें पूरा नीचे तक नहीं लगाना है, इसको जॉइंट करके रखना है। इस तरह से हम कट लगा देंगे सभी परवल में। ये हम इसलिए लगाते हैं जिससे इसमें मसाला अच्छे से जा सके। इस तरह से सभी परवल में कट लगा लिए। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने पर एक तेज पत्ता, एक साबुत लाल मिर्ची, इसके दो टुकड़े कर लिए हैं, 6 काली मिर्ची, 6 लौंग डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। अब हम इसमें परवल डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। लो फ्लेम पर इसको ढक के रख देंगे। जब तक ये पक नहीं जाता इसको लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। परवल जब तक पक रहे हैं, 5 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका या तो हम पेस्ट तैयार कर लेंगे या फिर इस तरह से हम इसको कूट लेंगे। इस तरह से इसको बारीक कूट लिया है, इसको एक साइड में रख देंगे। चेक करते हैं परवल को। परवल अच्छे से पक गए हैं। आप इसको हल्का सा इस तरह दबा के देख लेंगे, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 कप पानी डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। इसका पानी सूख चुका है। अब हम अदरक लहसुन डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। इसको भी हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। देखिए इसने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 3/4 कप दही डालेंगे। गाढ़ा दही, ये फेटा हुआ दही है। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे हमें लगातार चलाना है जिससे दही फटे नहीं। जब इसमें उबाल अच्छे से आ जाए गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है। इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, रोटी पराठा किसी के साथ भी। फ्रेंड्स, तैयार है हमारी दही परवल की सब्जी। आप भी इसे बनाना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।